नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैंने अपनी स्टोरी का टाइटल दिया है, भाजपा बनारस के जरिए कैसे साउथ को साध रही है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले दो बातें कह देना चाहता हूं। एक, यह सच है कि पिछले कई सालों में साउथ में भाजपा की स्थिति तमाम कोशिशों के बाद भी मजबूत होती हुई नहीं दिखी है, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा ने उम्मीद और कोशिश करनी नहीं छोड़ी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, और वैसे भी बहुत से लोगों को लगता था कि भाजपा इस देश में धर्म की राजनीति कर कभी 300 पार सांसद नहीं ला पाएगी, लेकिन यह एक अचंभा देश की राजनीति में घटित हो चुका है। इसीलिए यह सही है कि पिछले लोकसभा का जो चुनाव था 2019 का, उसमें भाजपा साउथ के 5 प्रमुख राज्य कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की 130 सीटों में से केवल 30 सीटें ही जीत पाई थी, और इनमें भी 25 सीटें तो कर्नाटक से जीती थी भाजपा ने। इसीलिए यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। भाजपा पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे हर कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन को कैसे वोट में तब्दील करेंगे, इसी में उलझती हुई साफ साफ दिख रही है। कैसे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं यहां पर राजनीतिक कोशिशें और उनसे बन रहे परसेप्शन पर बात कर रहा हूं, परिणाम पर नहीं। इसीलिए आइए बात को शुरू करते हैं। पिछले दिनों आपने एक खबर पढ़ी और सुनी होगी। यह खबर प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो कम ही चली है, यह खबर केवल उन जगह पर ज्यादा दिखी है, उन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिखी है जो भाजपा के पक्ष में काम करते हुए दिखते हैं। खबर यह रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के साथ साथ तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट से भी उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। यह खबर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से चलाई गई, इसीलिए सबसे पहले बनारस, अयोध्या और तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट का समीकरण समझते हैं। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। एक, रामनाथपुरम सीट तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर रामेश्वरम का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसे रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहीं पर शिव की आराधना की थी। उस राम सेतु की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिसके रास्ते भगवान राम श्रीलंका को जीतने गए थे, श्रीलंका को जीतकर आए थे, जीत हासिल की थी। भगवान राम के जीवन के अध्यायों में पहला अध्याय अयोध्या कहा जा सकता है, दूसरा पंचवटी कहा जा सकता है, और तीसरा अध्याय रामेश्वरम को कहा जा सकता है। इसीलिए यह स्थान सीधा भगवान राम से जुड़ा हुआ स्थान है, और यह स्थान भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है, और बनारस को कहा ही जाता है भगवान शिव की नगरी। तो यह तो हुआ रामनाथपुरम का धार्मिक महत्व। अब इसका राजनीतिक समीकरण समझिए। तमिलनाडु के दो जिले वेल्लोर और रामनाथपुरम ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, और यहां मुस्लिम मतदाता ही राजनीतिक समीकरणों को तय करते हैं। रामनाथपुरम की सीट पर फिलहाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कब्जा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को इस सीट पर 4.5 लाख से अधिक वोट मिले थे 2019 के चुनाव में, लेकिन खास बात यह रही कि बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार 3,42,000 वोट हासिल किए, और भाजपा दूसरे स्थान पर रही। इससे पहले 2014 के चुनाव में भाजपा को 1,41,000 वोट मिले थे, और भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। यानी एक साफ सी तस्वीर है, भाजपा ने इस सीट पर 5 साल में 2 गुने से ज्यादा के फासले को हासिल किया है। अब एक बात और समझ लीजिए, यह सीट कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा बार 6 बार रही है, और कांग्रेस अब इस सीट पर दौड़ में कहीं पर भी नहीं रहती है। यह एक तस्वीर है। अब यहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे या नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे यह तो पता नहीं है, लेकिन इस सीट के जरिए केवल दक्षिण को ही नहीं, समस्त देश को कुछ संदेश तो दिए ही जा सकते हैं, और भाजपा इसी पर काम कर रही है। और राजनीति में संदेशों का बड़ा गहरा असर होता है, बड़ा गहरा महत्व होता है, यह एक समझना चाहिए, समझने वाली बात है यह। इसीलिए मूल बात पर आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को साउथ में बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, यह एक सही बात है,
लेकिन चिंता यह है कि इस रिस्पॉन्स को कैसे वोट में बदला जाए। और यह चिंता कांग्रेस में से पिछले कई दिनों में साफ साफ दिख भी रही है। वहीं भाजपा ने बनारस में 17 नवंबर से काशी तमिल समागम शुरू किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और यह समागम एक माह तक चला। अब कई लोगों का कहना है कि यह समागम भाजपा ने इसलिए किया क्योंकि भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण में मिले रिस्पॉन्स से घबरा गई है। चलो ये मान लिया जाता है, यह सही है। और भारत जोड़ो यात्रा की काट के लिए ही बनारस में भाजपा ने काशी तमिल समागम किया। लेकिन इसके बाद भी एक बात पर गौर करने की जरूरत है, इस समागम से भाजपा को जितना भी लाभ मिलेगा वो शुद्ध लाभ होगा। उसमें भारत जोड़ो यात्रा की तरह यह कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रिस्पॉन्स को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, या फिर रिस्पॉन्स वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितना भी लाभ मिलेगा तमिलनाडु में वो सीधा लाभ ही होगा, वो 1% होगा या कितने परसेंट होगा यह तो परिणाम ही बताएगा। यह एक बहुत ही सीधी सी बात है, यह बहुत सीधा सा अंतर है भाजपा और कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में। अब एक और खबर पर ध्यान दीजिए, भाजपा ने दक्षिण की तैयारी को लेकर हैदराबाद में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह उसी समय की बात है जब बनारस में काशी तमिल समागम चल रहा था। भाजपा ने दक्षिणी राज्यों को साधने के लिए उसकी करीब 60 सीटों के लिए एक प्लान तैयार किया है। इनमें केरल से 20, आंध्र प्रदेश से 25, तमिलनाडु से 39, तेलंगाना से 17 और कर्नाटक से 28 लोकसभा की सीटें शामिल है। भाजपा ने इसके लिए अपने दो महासचिव, एक सुनील बंसल और दूसरे तरुण चुग को नियुक्त किया है। भाजपा की प्लानिंग है कि कर्नाटक को बचा लिया जाए, तेलंगाना को किसी तरह से जीत लिया जाए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में प्रभाव बढ़ा लिया जाए। क्योंकि अगर उत्तर भारत में नीतीश कुमार, सुखबीर बादल और कुछ अन्य छोटे दल जिनकी भाजपा के साथ अब पटरी नहीं बैठ रही है, उनसे होने वाले नुकसान को अगर कम नहीं किया जा सका तो हो सकता है उसकी भरपाई वहां से हो जाए। भाजपा इस तरह की योजना पर काम कर रही है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैं केवल राजनीतिक कोशिशों की बात कर रहा हूं, मैं केवल राजनीतिक परसेप्शन की बात कर रहा हूं जो मौजूदा दौर में बन रहा है। और इसमें भाजपा कितनी कामयाब होगी, इसका परिणाम क्या रहेगा यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिशों और परसेप्शन के मामले में भाजपा के सामने कांग्रेस मौजूदा समय में कहीं पर भी टिकती हुई साफ साफ दिखती नहीं है। भाजपा को बंगाल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन भाजपा ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, भाजपा ने कोशिश नहीं छोड़ी, वो अभी भी बंगाल में लगी हुई है। जबकि बंगाल में कांग्रेस ने बहुत पहले ही हथियार डाल दिए, इसी तरह से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हथियार डाल दिए, पंजाब में भी हथियार डाल दिए और अभी हाल ही में गुजरात का हाल आपने देखा ही है, गुजरात में भी हथियार डाल दिए। इसीलिए मैं केवल राजनीतिक कोशिशों की बात कर रहा हूं, और कोशिशें होती है तो परिणाम भी बन ही जाते हैं। आप एक और बात को समझिए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने यह सीट जीत ली, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने यह कोई एक साधारण सी सीट नहीं जीती है। रामपुर जीतने के बड़े राजनीतिक तौर पर बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक मायने हैं, यह कोई भी समझ सकता है। इसी तरीके से काशी तमिल समागम और प्रधानमंत्री के रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ने की बातें और अफवाहें, इनके बड़े राजनीतिक मायने हैं, बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक मायने हैं। और कांग्रेस बगैर किसी गठजोड़ के, बगैर किसी अफवाह को फैलाए, बिना किसी परसेप्शन को बनाए, राहुल गांधी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर तुली हुई है। यह भाजपा और कांग्रेस की 2024 के लिए तैयार हो रही जंग की एक तस्वीर है जो आकार ले रही है। कुछ और राजनीतिक तस्वीरों के साथ इसी तरीके से फिर मिलते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।